नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। एनएचआई न्यूज चैनल का असर पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु यादव एवं द्वारा भक्तों की कामनाओं को देखते हुए मंदिर न खोलने का किया गया था विरोध, जिसके कारण प्रशासन ने दूसरे ही दिन जनता की भावनाओं की कदर करते हुए खोले मंदिरों के पाट। साथ ही हिमांशु यादव ने मंदिर प्रशासन की उस बात का भी विरोध किया है जिसमें मंदिर प्रशासन द्वारा उन्हीं लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। यादव ने कहा कि मैं मंदिर प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या 25 से 30 लाख लोगों वाले शहर में क्या सभी को लगाई वैक्सीन, या जब तक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक वह भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता। किस प्रकार की गाइडलाइन बनाई जा रही है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भीड़ को छितर बितर करने के हिसाब से या भीड़ एकत्रित नहीं हो उसके कारण अगर ये गाइडलाइन बनाई जा रही है तो इसके अलावा कोई दूसरी भी लाइन बना लें, दूसरी गाइडलाइन बना लें दूसरे प्रकार की, पर दर्शन तो सभी को करने दें। आपका नाम? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। बताइए हिमांशु यादव जी, आपके द्वारा एक बयान दिया गया था अभी 3 दिन पहले कि मंदिर के पट नहीं खुल रहे हैं, कोरोना के बाद 3 महीने हो गए हैं, परंतु कल से मंदिर के पट खोल दिए गए हैं आपके बयान के बाद। देखिए, हमारा ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस का विरोध ये था कि आज कई दिनों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों के पट सभी बंद कर दिए गए थे। घरों में जनता व्याकुल थी भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी की भयानक लहर से चल रही थी। हर किसी को ईश्वर याद आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर और सरकार सब हाथ टेक चुके थे, साधन संसाधन कुछ नहीं थे, लोगों की आस्थाएँ भगवान के प्रति जागृत हुई थी, तो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रहे थे। तो उस तरफ तो प्रशासन ने ताले लगा दिए थे, वो दारू की दुकानों को परमिशन दे दी थी जो रात को 11-11 बजे दारू की दुकानें खुली थी। हमारा इसी चीज़ को लेकर विरोध था कि दारू की दुकानें बंद की जाएँ और मंदिरों के पट खोले जाएँ ताकि जनता दर्शन कर सके। तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद भी करता हूँ कि जिन्होंने ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस की आवाज़ सुनी और जनता के दर्द को समझते हुए, जनता की भावनाओं को समझते हुए मंदिरों के पट खोले गए। दूसरा, मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में गाइडलाइन तैयार हो रही है मंदिर प्रशासनों के द्वारा कि मंदिरों में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा